हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। इस समय मैं आ गया हूँ वाराणसी के नमो घाट पे और आज के वीडियो में मैं आपको नमो घाट का नज़ारा दिखाऊंगा और यहाँ पे कई सारी एक्टिविटी भी चालू की गई है उसके बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहना आप सभी। इधर सामने आप दोस्तों देख सकते हैं, यह है रविदास मंदिर जो कि राजघाट पर स्थित है और इस साइड है नमो घाट। यह आप देख सकते हैं सामने ये राजघाट ब्रिज जो कि काफ़ी पुराना ब्रिज है और यहाँ ऊपर से दो पहिया चार पहिया गाड़ी चलती है और नीचे ट्रेन चलती है। दिव्यांग लोगों के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं रैंप की सुविधा दी गई है जिसकी मदद से वो भी नीचे तक जा सकते हैं। काफ़ी कड़ी धूप निकली हुई है और लोग यहाँ पे आपको क्रिकेट खेलते हुए और पतंग उड़ाते हुए नज़र आ रहे होंगे। देख सकते हैं यहाँ पे क्रिकेट चल रहा है और यहाँ पर सामने टेंट सिटी का मॉडल रखा गया है। देख सकते हैं सामने यहाँ श्रद्धालु बोटिंग के जरिए नमो घाट पे जा रहे हैं और ये है राजघाट का ब्रिज। नीचे आपको काफ़ी लोग स्नान करते नजर आ रहे होंगे और यहाँ सामने देख सकते हैं निरांग कंपनी द्वारा यहाँ पे टेंट हाउस का मॉडल रखा गया है। गंगा के उस पार टेंट सिटी बसाई गई है, उसी का मॉडल ये है निरांग कंपनी द्वारा। देख सकते हैं अंदर आप टेंट सिटी का नज़ारा, ये निरांग टेंट सिटी का मॉडल है। गंगा के उस पर वहाँ पे टेंट सिटी बसाई गई है। अभी विजिबिलिटी काफ़ी लो है इसलिए आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। सामने देखिए आप, ऊपर से ट्रेन गुजर रही है जिस पर कि इंजन पे लिखा है आज़ादी का अमृत महोत्सव। दोस्तों राजघाट ब्रिज के नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे शेड बनाने का काम चल रहा है। जैसा कि यहाँ ऊपर बनाया गया है वैसा इस तरीके से यहाँ बनाया जा रहा है, क्योंकि आप जानते ही हैं कि ट्रेन का जो वेस्टेज का जो सिस्टम होता है नीचे गिरता है, तो पुल के नीचे से बहुत सारे लोग यहाँ पे जाते हैं नमो घाट पे, उनके ऊपर ना गिरे इसलिए ऐसा शेड बनाया जा रहा है इस साइड। दोस्तों सामने आप देख सकते हैं यहाँ पिलर पे मेजरिंग स्केल बनाया गया है और अभी गंगा का लेवल काफ़ी कम है। यहाँ खतरे का निशान यहाँ सामने आप देख सकते बनाया गया है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया दोस्तों कि गंगा का लेवल खतरे के निशान के ऊपर आ जाता है, तो उसके मद्देनज़र यहाँ पे आप देख सकते हैं पत्थरों को यहाँ पे लोहे के उसमें बांध के रखा गया है ताकि बाढ़ आने के समय मिट्टी में बह ना जाए। इधर साइड भी आप देख सकते हैं पूरा बैंड करके रखा गया है पत्थरों को ताकि बाढ़ के समय मिट्टी का कटान ना हो पाए। ये आप देख रहे हैं नमो घाट का बेहतरीन नज़ारा जहाँ पे टॉय ट्रेन की भी शुरुआत कर दी गई है और इसके ऊपर ये पार्किंग बनाया गया है। पर्यटन विभाग द्वारा काफ़ी बढ़िया डिसीजन लिया गया है। ये कितनी बढ़िया लग रही है, शाम के समय में काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है यहाँ पे। यहाँ पे बंजिंग जंपिंग का भी देखिए आप सेट लगाया गया है, दो सेट यहाँ पे लगाए गए हैं बंजिंग जंपिंग के लिए। और सामने हमारा ये भारतीय ध्वज शान से लहरा रहा है। यहाँ पर ऊपर सीएनजी फिलिंग स्टेशन बनाया गया है जहाँ पे दो पहिया चार पहिया गाड़ी आके सीएनजी रिफिलिंग करा सकती हैं। नमो घाट बनारस के सबसे आधुनिक घाट में से एक है, यहाँ पे काफ़ी सारी सुविधाएं भी दी गई हैं और ये हमारे प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट भी था। दोस्तों गेल इंडिया द्वारा यहाँ पे आप देख सकते हैं नमो घाट पर वर्ल्ड का पहला फ्लोटिंग सीएनजी फिलिंग स्टेशन बनाया गया है जहाँ पे गंगा जी में जितनी भी नाव चलती हैं सीएनजी द्वारा यहाँ पे आके रिफिलिंग कर सकती हैं, इससे गंगा में कार्बन का इमिशन काफ़ी कम हो जाएगा। ट्रेन के साथ साथ यहाँ पे सामने आप देख सकते हैं दोस्तों रिमोट ऑपरेटर यहाँ पे कार भी है और बाइक भी है जिस पर कि बच्चे बैठ के खेल सकते हैं बनाया गया है।
अब हम आ चुके हैं दोस्तों नमो घाट के ओपन थिएटर वाले एरिया पे। ये सामने आप देख सकते हैं ये स्टेज बनाया गया है और इधर लोग बैठ के जो कार्यक्रम चल रहा है उसका लुत्फ़ उठा सकेंगे। कितने सारे यहाँ पे गमले लगाए गए हैं जो कि इस थिएटर की खूबसूरती को बढ़ा रहे हैं। यहाँ सामने भी आप देखिए, इधर भी टॉय ट्रेन जैसा। ये आप देख रहे हैं नमो घाट का नज़ारा और यहाँ पे बोर्ड भी लगा दिया गया है स्मार्ट सिटी वाराणसी द्वारा। इधर साइड भी दोस्तों आप देख सकते हैं पांडा ट्रेन बनाई गई है। देखिए आप, काफ़ी बढ़िया लग रहा है। बच्चों के साथ साथ यहाँ पे एल्डर्स भी लुफ्ट उठा रहे हैं इसका। दोस्तों सामने जो आप पांडा ट्रेन देख रहे हैं, इनके ऑपरेटर से मैं पूछा अभी कि क्या रेट है इसका, तो उन्होंने बताया 50 रुपये लगेंगे और 3 राउंड घुमाया जाएगा, तो काफ़ी रिजनेबल रेट है। सामने का ये नज़ारा आप देख सकते हैं दोस्तों, काफ़ी बेहतरीन लग रहा है। फ़ोटो वीडियो कराने के लिए काफ़ी अच्छा लोकेशन है ये। आजकल बहुत सारे प्री वेडिंग फ़ोटोशूट यहाँ पे होने लगे हैं टेंट सिटी पे और नमो घाट पे भी। और सामने ये बेहतरीन नज़ारा नमो घाट के स्टैचू का, मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन है ये। 3 स्टैचू बनाए गए हैं यहाँ पे जिसकी हाइट 25 फीट है। लोग यहाँ पे आके फ़ोटो खिंचाते हैं। ये माता पिता और बच्चे को हाथ को दर्शाता है। नमो स्टैचू के नीचे आप देख सकते हैं काफ़ी सारे गमले लगाए गए हैं और इसमें जो पौधे लगाए गए हैं उसकी खूबसूरती को बढ़ा रहे हैं। नमो नमः। चलिए चलते हैं यहाँ से नीचे, आपको नीचे से घाट का ओवरव्यू दिखाते हैं। नमो घाट पे बनाया गया ये विश्व का पहला तैरता हुआ सीएनजी स्टेशन, जो कि गेल द्वारा बनाया गया है नमो घाट वाराणसी पे। घाट पे काफ़ी सारी एक्टिविटी भी चालू की गई है जिसमें कि आप देख सकते हैं आपको टॉय ट्रेन नज़र आ रही होगी और पीछे ये बंजी जंपिंग का नज़ारा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों के खेलने के लिए ये बनाया गया है। यहाँ दोस्तों नीचे आप देख सकते हैं 5 दुकानें भी लगाई गई हैं जिसमें कि एक दुकान चालू भी हो चुकी है जो कि बाबा फ्रेश फूड एंड नारियल पानी की है। और यहाँ पे ऊपर फूड कोर्ट बनाया गया है। कार काफ़ी तेज गति से चल रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। दोस्तों देख सकते हैं सामने 2 टॉय ट्रेन हैं और इस साइड एक और टॉय ट्रेन है, तो टोटल मिला के 3 टॉय ट्रेन हैं यहाँ पे। और एक ये मिक्की माउस वाला बनाया गया खेलने के लिए और ये रिमोट कंट्रोल गाड़ियाँ भी हैं। रेट के बारे में आपको बता दूँ तो उसका चार्ज भी 50 रुपये है 3 राउंड के लिए और इसका भी 50 रुपये है 10 मिनट के लिए और इसका रेट भी 50 रुपये है 3 राउंड के लिए, जो कि आपको नमो घाट स्टैचू से लेकर यहाँ सामने तक जाएगा जहाँ बंजी जंपिंग हो रहा है। अब हम दोस्तों आ चुके हैं ओपन थिएटर के ऊपर वाले फ्लोर पे। यहाँ सामने आप देख सकते हैं फूड कोर्ट खोला गया है जिसमें कि 2 दुकानें चालू हो चुकी हैं, आप देख सकते हैं। और इस साइड ये है टाइमलाइन इंस्टॉलेशन बोर्ड जहाँ पे आपको काशीनाथ मंदिर, सारनाथ, VHU, राजघाट, रामनगर और पंचकोशी यात्रा के बारे में जानकारी लिखी गई है। यह आप देख सकते हैं पंचकोशी यात्रा का मैप, आप इसे पॉज करके बाद में पढ़ सकते हैं।
ये रास्ता है नमो घाट पर आने का, और इधर ही आगे जाके आपको पार्किंग मिल जाएगी, और यहाँ पानी पीने के लिए व्यवस्था की गई है। मुस्कराइए आप नमो घाट पर। पीछे भी आप देख सकते हैं काफ़ी सारे गमले यहाँ रखे गए हैं, और गंदगी ना फैले इसके लिए कूड़ेदान भी रखा गया है। यहाँ ऊपर से आप पूरे नमो घाट का ओवरव्यू देख सकते हैं। आपको ट्रेन भी नजर आ रही होगी जाते हुए ऊपर, और ये है फूड कोर्ट, और फूड कोर्ट के पीछे टॉयलेट की सुविधा दी गई है, और ये सामने है गेल कंपनी का CNG फिलिंग स्टेशन, जहाँ पे दो पहिया चार पहिया गाड़ी आके CNG रिफिलिंग करा सकती है। और यहाँ गंगा नदी में सामने गेल कंपनी का है वर्ल्ड का पहला फ्लोटिंग CNG स्टेशन। यहाँ पे काली माता की प्रतिमा आपको दिखाई दे रही होगी पेड़ के नीचे, और सामने है ये गोवर्धनधारी मंदिर। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कितनी अच्छी आकृति बनाई गई है, और सामने ये है गोवर्धनधारी मंदिर, इसके भी दीवारों पर आप देख सकते हैं कितनी अच्छी यहाँ पे दर्शाया गया है आकृति के द्वारा। कृष्ण भगवान यहाँ पे माखन खाते हुए, यशोदा मैया यहाँ पे। चलिए दोस्तों इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।